गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं एक राइड पे हूँ। जैसे कि आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाए हैं यहाँ पे जोनाए मेरा होम टाउन में, एक साइकिलिंग कम्युनिटी। तो आज हमारा ये थर्ड राइड है। आज हम जा रहे हैं वयंचारैली, विच इज लाइक 14 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर स्टार्ट पॉइंट। अभी हम लोग स्टार्ट पॉइंट से लाइक 1 किलोमीटर आगे आ गया। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ ये रास्ता कैसा है हम लोग का डेस्टिनेशन तक। सो लेट्स बिगिन। हाय ब्रो, तो गैस अभी हम लोग आ गया ये रुकसिन चेक पोस्ट। ये एक बॉर्डर टाउन है आसाम और अरुणाचल के बीच में। सो हियर वी गो। अभी अरुणाचल बॉर्डर के अंदर आ गया हम लोग। आज भी हमारा मेंबर कम पड़ गया जितना मैं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कल से तो ज़्यादा है। ये रुकसिन का पुलिस स्टेशन। अभी यहाँ से पासीघाट तक, पासीघाट से थोड़ा दूर तक भी पूरा प्लेन्स है और उसके बाद पहाड़ शुरू होता है। तो गाइस अभी मैं आप लोग को मेरा दोस्तों के साथ इंट्रो करवा देता हूँ। ये है हंतु ब्रो। हाय हंतु। तो ये है कुशल बोरी। बाकी लोग आगे हैं, उनसे भी आप लोग को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये मैं मास्क पहन के रखा हूँ इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा होगा, उपाय नहीं है, पहनना ही पड़ता है नहीं तो पुलिस का धुलाई खाएगा। ओके गाइस, अभी बाकी लोग से कैच अप कर लिया, हमारे लिए वेट कर रहा था वो लोग। तो ये है लेकू रिवर। हाँ, बहुत यादें बसी है इसमें। हम लोग बचपन में इधर साइकिलिंग करके नहाने आता था इधर। अभी इसका ये लैंडस्केप तो बहुत बिगड़ गया बिकॉज ऑफ द क्वेरिंग। ये बालू और स्टोन से यहाँ से उठाता है। वाह, दुगला भाई वो फोटो आपको लाभ पर। तो यहाँ से ये पोबा रिजर्व शुरू होता है। अभी गाइस एक फोटो शूट हो जाए। ओके, ये देखिए गाइस कितना सुंदर हाईवे है, दोनों तरफ ग्रीनरी। ये है दाइंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। हो क्या शानदार नजारा है, मजा आ गया। फीलिंग रिफ्रेश्ड।
और मुझे अच्छा भी लग रहा है ये हमारा कम्युनिटी को ग्रो होते हुए देख के। धीरे धीरे और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आदमी ज्वाइन करे हमारा ग्रुप को। तो गाइस अभी मैं आप लोग को बाकी लोग के साथ पहचान करवा देता हूँ। और हमारा ग्रुप का थोड़ा एल्डरली रेस्पेक्टेड पर्सन हमारा आनंद का है और ये है उनका बेटा। और गाइस ये है भास्कर भैया। और ये है हमारा जयंत सर। सर एक बार हेलो। और ये मेरा आगे जा रहा है लेफ्ट साइड में है मतिन ताये और निकोल। कपिकान कपिकान अरे इनसे तो आप लोग को पहचान करवा ही दिया था कुशल बोरी। और भाई आपका नाम? मंजीत ताये। तो अभी हम ग्रुप का लीड में आ गया। काजो लोमना रुकला है साइकिलिंग के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव बाइक ही लेना है। जो भी हो बस एक्सरसाइज हो जाए वही काफी है। तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये हमारा मोतीन भाई। अभी मोतीन भाई भी साइकिल लेने को प्लान कर रहे हैं। अभी ये दूसरा का लेके आया है उनके लिए बहुत ही छोटा पड़ रहा है। ये एक किड्स बाइक है। फिर भी जोश भर भर के है। तो ये सब लोग आगे बढ़ते हुए मैं पीछे वाला को भी एकॉम्पेनी करता हूँ। सो गाइस दिस प्लेस इज रियली लाइक हेवन ड्यूरिंग द समर हीट। यहाँ पे आप ये हाईवे के ये बीच में घुसते आपको एक बढ़िया से एक ठंडक मिल जाएगा। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस पवार रिजर्व फॉरेस्ट। गाइस अभी मैं ये अपना बाइक एक्सचेंज कर लिया। अभी ये भास्कर भैया का बाइक लिया। गाढ़ा रंग ना सोखा बोका ही ताकता है मुनो बहुत ही लेजी है तो वो थोड़ा थक गया था तो इस वजह से मैं इसको ले लिया कुछ देर चलाने के लिए। सही से वर्कआउट हो ही नहीं पा रहे सब लोग इतना स्लो चला रहे और रुक के चल रहे हो हम लोग। अभी थोड़ा जोर पड़ रहा है इससे। आज क्या शानदार मौसम है। कल रात थोड़ा बारिश दिया था अभी साफ हो गया और इसलिए थोड़ा ठंड भी है। चला के मजा आ रहा है। सच में इसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर इसको एक घंटा भी चला लिया ना
हट जाएगा। गैस मेरा एक जान पहचान है उधर हम लोग के डेस्टिनेशन पॉइंट में, तो उनसे भी एक मीटअप करने के लिए बोला हूँ, वो हमारे लिए रुका हुआ है। बस अभी पहुँचने वाला हूँ, वो बता रहे थे वो ब्रिज में रुका हुआ है। सब दुकान के हाँ सच में बहुत ताकत लगता है इसमें। हेल्प धमक से अल्ले फुल्ले का वो अल्ले पे। ओके अभी दिखाई देने लगा है, वो उधर है वो लड़की। अरे लो पूतन फोड़ दो वो रोक तो यार लून। हाय तो गाइस ये है एलवी डोले। ए नोम लुबिरो ना जो को इंट्रो हाय हम एलवी ना ना आता रे लेट का तो बोलो स्थान नाम तने आप पूरे गुकुंग पास और आई पे धरे का आई हम पे भाई सा अदला रुचे को काय काय लो आहो आहो गुलांग को बाय। देख गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग का डेस्टिनेशन तो अभी बस पहुंचने वाला है। So this our destination and इधर से हम लोग वापस चलेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पे एक स्कूल है, तो स्कूल तक जाके वापस आएंगे हम लोग। सो गाइस यही है हमारा फाइनल पॉइंट। हो गया क्या? हाँ हकुन का डुगला लंकू भाई। हाँ कॉल मार रही है इधर एक फोटो सेशन हो जाए उसके बाद वापस चलते हैं। तो गाइस एक दो फोटो शूट हो गया, अभी यहाँ से हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गया, अभी धीरे धीरे वापस चलते हैं। ठीक है आप लोग देखते रहिए। गाइस हम नीचे तक आए हैं ये वायन नदी तक, अभी थोड़ा फ्रेश हो लेते इधर, सोच रहा हूँ नहाने के लिए, लेकिन बाकी लोग थोड़ा जल्दी में है, मैं नहा ही लेता हूँ।
घी माने ब्रो ना लेते हैं। बहुत दिनों के बाद आया हूँ यहाँ पे। मजा आ गया गुरु। रिपोर्ट ऑफ कैमरा समझा पॉप। तो गैस हमारा फोटोशूट भी हो गया और अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।